यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं जो उनको लगता है कि उन्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। यूपी में कुछ टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ जाने वाला है उन कॉलेजेस का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये कॉलेजेस 15% जो MCC काउंसलिंग के थ्रू मिलता है उसका कट ऑफ का डिस्कशन हम करने वाले हैं। अगर स्पेसिफिकली यूपी स्टेट का देखना है आपको जो 85% कोटा होता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे जाके देखें। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे। ज़रूरी नहीं कि इसी रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके आसपास हैं तो आपके चांसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किंग जॉर्ज का, मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, किस तरीके से आपका कट ऑफ मूव हो रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है कट ऑफ कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट और कॉलेजेस का देखूँ तो आप देख सकते हैं आगरा हुआ, फिर गोरखपुर हुआ, कन्नौज हुआ, झांसी हुआ, यूपी रूरल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ किस रेंज पे जा रहा है। ऑब्वियसली बात है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का है, तो कट ऑफ हाई ही जाएगा, कट ऑफ हाई ही जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ का रेंज लगभग लगभग यही चल रहा है, कट ऑफ का रेंज लगभग लगभग यही चल रहा है। तो ये तो हुआ कट ऑफ, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर यूपी के अलावा मैं दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के साथ कि हमें अपना प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, हमें अपना प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मैंने हमेशा बोला है, मैं अभी भी बोलूँगा, आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं किन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। उसके अलावा जो कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हैं मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज टोटली फाइन, ओके टोटली फाइन। और ये रिसर्च करके, R&D करके आप अपना एक लिस्ट बनाएं, लगभग लगभग 50 से लेके 100 कॉलेजेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप MCC की काउंसलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज ना डालें, यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी ना डालें, नहीं तो एडमिशन लेना ही पड़ता है आपको। वो कॉलेज कब अलॉट हो रहा है ये इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन नहीं तो वो कॉलेज अलॉट हो ही जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं ये लिस्ट कैसे बनाऊँ, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है? तो देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे जिनको टॉप कॉलेजेस मिले हैं उन्होंने क्या चॉइस फिलिंग करी है उसका एक PDF रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग में, और एक डिसीजन ले सकते हो कि अच्छा मुझे ये कॉलेजेस फिल करना है, ये कॉलेजेस फिल नहीं करना। अब ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, तो ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे चॉइस फिलिंग टूल में, और यहाँ से आप ऑल टाइप्स में आप PDF पे क्लिक कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग ऑर्डर लो टू हाई फीस वाइज दिया है हमने डिटेल्स यहाँ पे, और हमने यहाँ पे डिटेल्स कॉलेज की रैंक वाइज भी दिया है। अब रैंक वाइज का मतलब ये है जो लास्ट ईयर जो टॉपर्स ने अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस डाला था उसके बेसिस पे यहाँ पे हमने ये PDF बना दिया हुआ है। तो जाएं इस PDF को देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको क्या क्या डिटेल्स मिलेंगे, आपको कॉलेज का नाम मिल जाएगा यहाँ पे, आपको एस्टेब्लिश कब हुआ था, किस स्टेट में है वो कॉलेज, और उसकी ट्यूशन फीस क्या थी लास्ट ईयर 2023 की। तो इसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आपका चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं पहले एम्स दिल्ली रखा था स्टूडेंट्स ने, फिर मौलाना आज़ाद रखा था, फिर वर्धमान महावीर कॉलेज रखा था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जिपमर पुडुचेरी, एम्स जोधपुर। तो इस बेसिस पे उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग करी थी, तो आप भी इस PDF को यूज़ करके अपनी प्रॉपर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जाइए इसे यूज़ करिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो हमारी टीम को ऑब्वियसली बात है रीच आउट करिए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.